बच्चों एक बार फिर मैं आपका सुनील सर बहुत बहुत स्वागत करता है एक नए वीडियो में। देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ लेसन नंबर 10 साइंस यानी फिजिक्स के अंतर्गत और पार्ट फोर माने पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। देखो बच्चों, मैं बता दूं कि इस पार्ट में, इस वीडियो में आप क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, पहला तो आपको पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के चिन्ह परिपाटी के बारे में, सबसे पहला। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे आर और एफ में संबंध। चौथा हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध। और पांचवा जो होगा ये आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो ये पांच टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आओ बच्चों, आज की शुरुआत हम लोग करते हैं। चलो तो देखो बच्चों, आज का जो पहला टॉपिक हमारा है वह यही है कि अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। तो आज का टॉपिक हम लोग यही पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के लिए जो चिन्ह परिपाटी होता है वह क्या होता है। देखो बच्चों, पहले हम बता दें आपको कि आप पढ़े होंगे चतुर्थांश को, बढ़िया समझो। हम लोग चतुर्थांश के बारे में जानते हैं, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थी है। अच्छा, हम अच्छी तरीके जानते होंगे कि प्रथम चतुर्थांश में जो होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। इधर भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये जो होता है निगेटिव होता है इसकी डिस्टेंस, और ये भी आपके क्या होता है, निगेटिव होता है। तो जरा देखो, मैं आपको खूब बढ़िया से समझाता हूँ। ये मान लो चतुर्थांश आपने बना लिया, ये है अवतल दर्पण। कौन से दर्पण है? अवतल दर्पण। चलो हमने बना लिया है, क्या है बच्चों? अवतल दर्पण, जिसके उठे हुए भाग पर क्या किया जाता है? कलई किया जाता है। देखिए आप समझ रहे हैं, यहाँ पर ये आपका एफ होता है, यहाँ पर सी होता है, यहाँ पर अनंत होता है। एफ के पहले आप जितने भी वस्तु रखेंगे, चलो हमने सपोर्ट एट यहाँ पर एक वस्तु रखा, हमने समझना बाबू बहुत ध्यान से, तो प्रतिबिंब निश्चित रूप से नीचे ही बनेगा। कहाँ बनेगा? नीचे। ये वस्तु है, देखो बच्चों ये क्या है? वस्तु है। ये क्या है? प्रतिबिंब है, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ कि क्या क्या आपका होता है। देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक होता है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। जो वस्तु की लंबाई होता है हम इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? ओ से। तो देखो ये वस्तु की लंबाई है ना, जरा बताओ इसका आप किससे देखेंगे? किस चतुर्थांश से? प्रथम चतुर्थांश से देखेंगे, क्योंकि वस्तु की लंबाई है, इससे आपको देखना। और ये किस में होता है? पॉजिटिव में। तो ये हमारे पास हो गया किस में? पॉजिटिव। ओ का मान पॉजिटिव हो गया। उसके बाद एक होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। देखो बच्चों, जब प्रतिबिंब की लंबाई को आप लिखेंगे तो आप आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आई से। बताओ प्रतिबिंब की लंबाई नीचे है ना, तो इसको आपको किसके लेना है? इस चतुर्थांश से लेना है। तो ये क्या होगा बच्चों? ये होगा आपके माइनस में। किस में होगा? माइनस में। उसके बाद से आपको क्या लेना है? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। देखो बच्चे, जब वस्तु की दूरी लोगे तो किससे लोगे? यू से। किससे लोगे? यू से। जो वस्तु की दूरी है यू से, तो देखो यही तो है वस्तु, यह है ना, इसके बीच की जो दूरी होती है इसी को वस्तु का हम लोग दूरी कहते हैं। देख लो ध्यान से, तो ये तो आपके पास निगेटिव दिखा रहा है, तो इसलिए वस्तु का दूरी भी जो होगा किस में होगा? यू का मान माइनस में होगा आपके इसमें। इसी तरीके से जो वस्तु की दूरी होगा यू, वो भी आपका निगेटिव होगा, क्योंकि वस्तु की दूरी अभी जस्ट मैंने आपको बताया। प्रतिबिंब की दूरी, देखो बच्चों ये प्रतिबिंब है, इसकी दूरी को भी से डिनोट करते हैं, इसको भी हम लोग माइनस में लेंगे। फोकाई दूरी, देखो बच्चों ये फोकाई दूरी है, यहाँ से इसकी जो दूरी है फोकाई दूरी है, इसको भी हम लोग माइनस में लेंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा सब माइनस में होगा। बगता त्रिज्या आर, देखो बच्चों ये सी और इसके बीच की दूरी को बगता त्रिज्या कहते हैं, तो ये भी किस में हम लोग लेंगे? माइनस में लेंगे।
तो ये जो बात आपने देखा ये कह रहा अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी। तो पहला टॉपिक आपका समाप्त हुआ बच्चों। अच्छा देख लो बच्चों, अब जो दूसरा टॉपिक है ना अवतल दर्पण का उपयोग या प्रयोग, कहाँ कहाँ इस अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो पहला आप कह सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बड़ा माने बनता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग चेहरे देखने के लिए करते हैं। जो अवतल दर्पण तो होता है उसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग चेहरे देखने के लिए करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, दूसरा भी उपयोग होता है अवतल दर्पण का, तो आप कह सकते हैं कि नाई बाल काटने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। जो नाई होता है यानी जो बाल काटने वाला होता है वह अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, यानी नाई बाल काटने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। तीसरा आप कह सकते हैं कि लैंपों में अवतल दर्पण का कलई की गई होती है, जो लैंप वगैरह होते हैं जो कलई किया गया होता है ना, अंदर जो कलई किया गया होता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया होता है बच्चों। अगर चार नंबर कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग करके डॉक्टर दांतों को भी देखता है, जिसे होता है ना डॉक्टर जो होता है आँखों पे दांतों के सामने दर्पण कर रखता है, तो दांत का प्रतिबिंब दांतों में बनता है लेकिन बहुत बड़ा बनता है, तो इसे डॉक्टर भी क्या करता है समय लेता है, और जो दांत में जो भी जीवाणु विषाणु कीटाणु जो भी रोगाणु लगे होते हैं उसको जो डॉक्टर होता है वह देख लेता है बच्चों। अच्छा देखो बच्चों, अब आपका जो तीसरा टॉपिक मैंने बताया था हेडिंग में कि अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या जिसको आर कहते हैं और फोकस दूरी जिसको आप एफ कहते हैं में संबंध, जो अवतल दर्पण तो होता है तो अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी में संबंध। तो देखो बच्चों, एफ बराबर माइनस आर बाई टू होता है, एफ बराबर माइनस आर बाई टू होता है, तो एफ बराबर आर बाई टू याद रखेंगे और ये जब भी पूछा जाता है तो ये चीज़ को आप बता सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा देख लो, इस पर कुछ आपको हम न्यूमेरिकल बता देते हैं। देखो बच्चों, आपसे मान लो किसी ने कहा कि एफ के मान मान लो दे दिया आपके सामने, किसी ने कहा कि एफ का मान माइनस बीस है, ठीक है ना, और किसी ने कहा कि वक्रता त्रिज्या आर का मान बताइए बच्चों, तो एफ का मान माइनस बीस है क्योंकि अवतल तो माइनस होगा, और किसी ने कहा आर का मान बताइए, तो हमारे पास सूत्र क्या है बच्चों, हमारे पास सूत्र है एफ बराबर आर बाई टू, तो एफ का मान भर दो माइनस बीस बराबर आर बाई टू। चलो बच्चों, तीसरा तीसरी गुणा करो, आर से गुणा कर दो तुम एक में। देखो बच्चों, जब आर से गुणा एक में करोगे तो केवल आर हो जाएगा और माइनस बीस गुणे दो तो आर बराबर माइनस चालीस सेंटीमीटर हो जाएगा। किसका मान आ गया? आर का मान आ गया। अच्छा आ जाओ, क्वेश्चन नंबर दो है, मान लो आर बराबर दे दिया माइनस अस्सी सेंटीमीटर और कहा कि एफ का मान आपको निकालना है, मैंने सवाल में वक्रता त्रिज्या दिया होगा, अस्सी सेंटीमीटर फोकस दूरी निकालना, तो इसको भी हल करने के लिए एफ बराबर आर बाई टू से आप हल कर लेंगे, एफ बराबर आर बाई टू। देखो बच्चों, या आप ऐसे लिखो जहाँ आर था माइनस अस्सी बटा में दो, दो से अस्सी को काटेंगे चालीस बार में, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस चालीस सेंटीमीटर आंसर आ जाए। तो कुछ सवाल भी आपको मैंने इस फार्मूला में बताया कि अगर पूछा जाता है तो इस चीज़ को आप कैसे बता सकते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों देखो, आज का जो लास्ट टॉपिक इस वीडियो का था जिसका नाम था कि अवतल दर्पण के लिए यू भी अप में संबंध, अवतल दर्पण के लिए यू भी अप में संबंध। तो देखो बच्चों, अवतल दर्पण के लिए यू भी अप में संबंध अगर आप बताते हैं तो एक बटा एफ बराबर एक बटा भी प्लस एक बटा यू, यानी दर्पण के लिए जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे वो प्लस वाला, एक बटा एफ बराबर एक बटा भी प्लस एक बटा यू। अच्छा आप इसको याद जरूर रखिएगा, हम आपको बताते हैं, जहाँ एफ होता है उसको फोकस दूरी कहते हैं, जो एफ है उसको फोकस दूरी कहते हैं, जो भी है उसको प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, जो यू है उसको वस्तु का दूरी कहते हैं। एक बार समझो, जहाँ भी फोकस दूरी कहेगा एफ लिखेंगे, जहाँ भी कहेगा प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे, जहाँ यू कहेगा तहाँ वस्तु की दूरी कहेंगे। चल हम लोग देख लेते हैं बच्चों, मान लो भी का मान आपके सवाल में दे दिया है माइनस तीस, भी का मान कितना दे दिया माइनस तीस, यू का मान कितना दे दिया माइनस साठ, और क्वेश्चन में कहा कि फोकस दूरी आपको एफ निकालना है बच्चों, भी दे दिया यू दे दिया एफ, तो जो हमारे पास फार्मूला होगा वह होगा एक बटा एफ बराबर एक बटा भी प्लस एक बटा यू।
एक बटे एफ निकालना है। देखो बच्चों, जहाँ भी है तहाँ माइनस 30 कर दो, जहाँ यू है माइनस 60 कर दो बच्चों। अच्छा देखो, एक बटा एफ बराबर इस माइनस के ऊपर कर दो, माइनस एक बटा 30 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक बटा 60 बराबर एक बटा एफ बराबर 60, और 30 से भाग 60 में देंगे माइनस 2 और ये माइनस 1 हो जाएगा। काटिए 20 और कट माइनस 20 हो गए, तो आपके पास गुणा जब कर दिए तो यह बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर हो गया, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको जब भी सवाल दिखाई दे इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। ओके, देख लो ध्यान से, ये बोला समझा देते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में हमसे कहा कि भी कमाने माइनस 30, यू कमाने माइनस 60, एफ निकालना। सूत्र हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक बटा एफ बराबर एक बटा भी प्लस एक बटा यू। एक बटे एफ वैसे ही जहाँ भी है माइनस 30 है तो 30 रख दो, प्लस कर लो, जहाँ यू है माइनस 60 कर लो। एक बटे एफ बराबर माइनस ऊपर कर दो माइनस एक बटा 30, प्लस और माइनस कर दो माइनस एक बटा 60। एक बटा एफ 30 और 60 का लस लगे 60, 30 से भाग 60 में दोगे दो बार में माइनस 2 एक, और एक बटे एफ ये जोड़ दोगे माइनस 3 बटा 60, 60 से 30, 30 से 60 काटोगे 20, तो एक बटे एफ बराबर एक बटा माइनस 20, तो एफ बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर हमारा कहाँ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों, इस तरीके का सवाल आपको देता है तब भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन में दे दिया एफ बराबर माइनस 60, एफ बराबर माइनस 60, यू बराबर दे दिया माइनस 30। ठीक है बच्चों, अब आपको भी निकालना है। इसका पहले आप एफ निकाले थे, अब हमें क्या निकालना है, भी निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा बच्चों, एक बटा एफ बराबर एक बटा भी प्लस एक बटा यू। ठीक है, एक बटा एफ जहाँ एफ है तो आप रख देंगे माइनस 60, हमें भी निकालना है वैसे ही रख दो प्लस करो, यू है माइनस 30 रख दो। ठीक है बच्चों, ये माइनस ऊपर कर दो माइनस एक बटा 60, इधर लेकर आओ। देखो ये पहले तो माइनस में है, जिसका मान निकालना उसको अकेले रख लो, ये माइनस में इधर लेकर आ जाओगे प्लस हो जाएगा, एक बटा कहाँ आ जाएगा 30 बराबर एक बटा भी, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 60 और 30 का लसा लेना है तो 60 हो जाएगा, 60 से भाग 60 में देखो तो माइनस एक हो गया प्लस, 30 से भाग 60 में देंगे तो दो बार में जाएगा बराबर एक बटा भी बच्चों। अब दो में से एक जाएगा तो एक बटा 60 बराबर एक बटा भी, तो भी बराबर आपके तीसरा तीसरी जब गुणा होगा तो 60 सेंटीमीटर आपका कहाँ आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। अच्छा एक बार और देख लो, देखो ध्यान से हमारे क्वेश्चन में क्या कहा कि एफ बराबर माइनस 60 है, यू बराबर माइनस 30 है, भी आपको निकालना है तो क्या होगा, एक बटा एफ बराबर एक बटा भी प्लस एक बटा यू। एक बटा जहाँ एफ है माइनस 60 है तो 60 रख दो बराबर एक बटा भी प्लस रख दो और माइनस एक बटा 30। देखो बच्चों, अभी माइनस एक बटा 60 वैसे ये माइनस है, इधर लेकर आओगे प्लस 30 हो जाएगा बराबर एक बटा भी, 60 और 30 के लस लगे 60, 60 से भाग 60 में देखो तो एक बार में माइनस एक, फिर 30 से भाग 60 में देखो तो दो बार में एक बटा, आई दो में से जाएगा एक बटा 60, तो भी कमान कितना आ गया 60 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया बच्चों। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।